नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं Theandroidportal YouTube चैनल। और इस वीडियो में आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं कैनन के EOS M50 मिररलेस कैमरा की। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ और कैनन का फर्स्ट 4K बेस्ड कैमरा है। मीन के अभी तक जितने भी कैनन ने एक्सपेंसिव कैमरे की रेंज जो कैनन की थी उसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती थी, तो ये फर्स्ट कैमरा है जो कैनन की तरफ से मिलता है आपको और इसमें 4K रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी मिल जाएगी और आप इससे 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जैसा कि बॉक्स कंटेंट पे आप देख पाएंगे कि 24.1 मेगापिक्सल का CMOS APS-C टाइप सेंसर है इस पर, तो आपको इमेज क्वालिटी और वीडियो दोनों के लिए ये कैमरा अच्छा है। और डुअल पिक्सल आउट ऑफ फोकस CMOS सेंसर और इसमें आपको मिल जाएगी फुली आर्टिकुलेटेड LCD स्क्रीन और वाईफाई NFC ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको ये मिल जाएगा कैमरा। और जी हाँ, ये है ब्लैक कलर में मेरे पास। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसको अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले ब्रेक करते हैं सील। तो ये देखिए दोस्तों, बॉक्स हो चुका है ओपन और सबसे पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा इस पे यूजर मैनुअल जो कि है काफी बड़ा। तो इसके बाद आपको इसमें मिल जाएगा कुछ वारंटी कार्ड, 1+1 2 ईयर वारंटी कार्ड मिल जाएगा। मीन्स आपको मैन्युफैक्चरर वारंटी इसमें 2 ईयर की मिलती है, चाहे आप इस कैमरे को जहाँ से भी खरीदें, लोकल स्टोर से, ऑनलाइन या कहीं से भी। तो ये कैनन स्ट्रैप मिल जाएंगे, इसका उपयोग आप कैमरे के साथ कर सकते हैं। अगर आउटडोर फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं तो ये बेस्ट होगा आपके लिए। और इसमें अब देखते हैं, जैसे कि आप बॉक्स पर देख पाएंगे तो ये है बैटरी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें एक बैटरी, सेपरेट बैटरी मिलेगी और रिचार्ज करने के लिए आपको अलग से यूज़ करना पड़ेगा। और ये बैटरी है जो 875 mAh की लिथियम आयन बैटरी है। आपको इसमें 200 से 250 पिक्चर्स जो आप आसानी से कैप्चर कर पाएंगे, और वीडियो के लिए तो नहीं पता लेकिन 200 से 250 फोटोज़ आप कैप्चर कर पाएंगे अगर फुल चार्ज में है अगर आपकी बैटरी। तो इसे भी करते हैं साइड। और इस बॉक्स में आपको एक, जैसा कि बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था, 16 GB का SD कार्ड मिल जाएगा जिसकी स्पीड है 48 Mbps की और क्लास 10 SD कार्ड है। तो कंपनी नाम मेंशन नहीं किया हुआ इस पर, मैन्युफैक्चरर सैंडिक्स है। ओके, सैंडिक्स की तरफ से मिल जाएगा आपको ये कार्ड। तो इसे भी करते हैं साइड में और अब देख लेते हैं मेन कैमरा की बॉडी। तो जी हाँ, ये है कैमरा बॉडी। तो अनरैप करके इसे करते हैं साइड और ये, तो ये देखिए कैनन EOS M50 ब्रांडिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। कैनन EOS M50 की माउंट शू मिल जाएगा, यहाँ पे कैप है। और वेट अगर मैं कहूँ तो इसका अप्रोक्स बहुत ही कम है। मीन्स कि अगर आपने एक साथ दो फ़ोन, किसी भी दो 5 इंच स्मार्टफोन को होल्ड किया होगा अपने हाथ में, उस टाइप का फील मिलेगा आपको इस पर। तो मीन्स ये ज़्यादा हैवी भी नहीं है। तो चारों तरफ से आपको इसमें मैं दिखा देता हूँ, ये तो यहाँ पे आपको बैटरी प्लेस मिल जाएगा, बैटरी के साथ इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो मीन्स आपको अगर SD कार्ड शूटिंग के टाइम चेंज करना है तो आपको कैमरा हटाना पड़ेगा माउंट से, या ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा तो आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज SD कार्ड निकालने का कोई और ऑप्शन नहीं है आपको। तो ये देखिए, फुली आर्टिकुलेटेड डिस्प्ले आपको मिल जाएगी इस पर। तो टच स्क्रीन है या नहीं ये हम बताएंगे रिव्यू में, तो हमारे चैनल को देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि कैमरे के बॉडी में आपको ये डायल भी मिल जाएगा जिसमें आप ऑटो, TV, AV
वीडियो, मैनुअल, मीन्स आपको बहुत सारे मोड मिल जाएंगे और मैनुअल फंक्शन की भी आपको एक मिल जाएगी सेपरेट, जिसे आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर जूम इन, बहुत सारी कीज़ आपको मिल जाएगी। तो इसका फुल डिटेल रिव्यू हम करेंगे अगले वीडियो में, तो रिव्यू देखना ना भूलें। चलो इसे भी करते हैं साइड और अब देख लेते हैं कि और इसमें क्या है। तो ये है केबल, जो चार्जर केबल, तो ये केबल सिंपल सा केबल है 3 पिन, और ये आपको मिल जाएगा बैटरी चार्जर, एक्सटर्नल बैटरी चार्जर, जिसका यूज़ आप कर पाएंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो जी हाँ, प्लास्टिक मटेरियल थोड़ा अच्छा ही है, और इस टाइप का केबल जो मैंने दिखाया था वो यहाँ पे इंसर्ट होगा, और यहाँ पे आपकी बैटरी, तो आपको एक्सटर्नली आपकी कैमरे की बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए इसे भी करते हैं साइड में और अब देख लेते हैं इसमें आपको लेंस कौन सा मिलता है। तो जी हाँ, ये रहा लेंस। फर्स्ट यहाँ हो गया कैमरा बॉडी, और ये है लेंस। तो जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मिररलेस कैमरा के लेंस जो है बहुत एक्सपेंसिव और छोटे आते हैं। तो मीन्स अगर आपके पास DSLR कैमरा अगर आपने यूज़ किया है पहले, तो आप उस टाइप के लेंस आपको नहीं मिलेंगे, काफ़ी छोटे साइज में होंगे लेंस। तो ये 15-45 mm का लेंस है, तो ये भी काफ़ी, और जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये STM लेंस है, कैनन जूम लेंस है ये, 15-45 mm STM लेंस है। और क्वालिटी आपको इसमें, इमेज क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, और बहुत कुछ है जो इसमें नया है, तो इस बारे में भी हम रिव्यू में बात करेंगे इसके बारे में भी। तो चलिए इसे भी करते हैं साइड। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं बताऊँ आपको, कैमरे के साथ मिलेंगे कुछ इस टाइप की सारी चीज़ें बॉक्स के अंदर, तो एक एक करके मैं आपको बताता जाऊँगा। तो मेन जो कैमरा की बॉडी हो गई, स्ट्रैप्स मिल जाएंगे आपको, एक्सटर्नल चार्जर मिल जाएगा, लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगी, 16 GB SD कार्ड मिल जाएगा, चार्जर केबल मिल जाएगा, लेंस, और ये कैमरा तो है ही। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।